हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम्स हब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं रेगुलर या आप कह सकते हैं इसे परमानेंट वैकेंसीज़, क्योंकि एक ऐसा स्कूल है जहां से वैकेंसीज़ जब भी आती हैं वो रेगुलर होती हैं या तो परमानेंट होती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपके लिए प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है जिसमें कि आपको कंप्यूटर का यहाँ पर टीचर के लिए रखा जाएगा। ICSE में आप देख सकते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी अवेलेबल है। ISC में आप देख सकते हैं इंग्लिश लीगल स्टडीज़ एंड मैथमेटिक्स में। अदर टीचर्स में आप देख सकते हैं स्विमिंग कोच, डांस कोच एंड म्यूज़िक कोच की इन्हें ज़रूरत है, साथ ही आर्ट के टीचर की भी ज़रूरत है। देन यहाँ पर आप देखेंगे नीचे मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है आपके लिए वो है प्राइमरी कंप्यूटर के लिए PGDCA हो आपके पास, या फिर BCA हो, या फिर BTEC कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर एंड ICSE में यहाँ पर MA+BEd मांगा गया है। ओके, ISC में भी आपके पास MA+BEd होना चाहिए आपके टीचिंग सब्जेक्ट में, जो भी टीचिंग सब्जेक्ट मांगे गए हैं उससे रिलेटेड। ओके, अदर्स में आप देख सकते हैं रिलेटेड क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपके पास होना चाहिए। मंथली सैलरी आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 जुलाई से जो आपकी सैलरी है फॉर ट्रेंड फुल टाइम टीचर्स जो यहाँ पे रहेंगे उनके लिए सैलरी को इंक्रीज़ किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइमरी में 54,662 रुपये आपको मिलेगा, यानी कि 54,000 रुपीज़ अराउंड सैलरी मिलेगी। जूनियर और ICSE के लिए 69,727 रुपीज़ आपकी सैलरी रहेगी, और ISC के लिए 73,668 रुपये, यानी कि अराउंड 74,000 रुपीज़ सैलरी मिलेगी, और बाकी अदर्स के लिए एज़ पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग सैलरी रहेगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं देखिए लिखा हुआ है कि ICSE एंड ISC बोर्ड अलाउेंस इज़ गिवन एट ₹3,000 and ₹4,000 पर मंथ आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ सर्विस। तो जब आप एक साल की सर्विस यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पर ICSE वालों को ₹3,000 और ISC वालों को ₹4,000 पर मंथ आपको बोर्ड अलाउेंस जो है वो भी मिलेगा सैलरी के अलावा। अब ये वैकेंसी है कहाँ से दोस्तों, आप देख सकते हैं ये है वैकेंसी सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, यानी कि जिसको शॉर्ट में कहते हैं CMS। CMS लखनऊ से लगातार वैकेंसीज़ आती रहती हैं दोस्तों, और यहाँ पर फिर से एक बार वैकेंसीज़ आई हैं। अप्लाई इमीडिएटली ऑनलाइन एट, ये आपके नीचे वेबसाइट दी हुई है, यहाँ पर इमीडिएटली कहा है, कोई लास्ट डेट नहीं है, कब तक फॉर्म ओपन है कब तक नहीं ओपन है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और आपको मैं बता दूं, यहाँ पर अप्लाई करने से रिलेटेड मैंने एक वीडियो काफ़ी टाइम पहले बनाया था, करीब 6 महीने पहले, आप देख सकते हैं इसमें वैकेंसीज़ आई हुई थी, मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कैसे आपको अप्लाई करना है। और शायद यहाँ पर आपको 650-650 रुपये फ़ीस भी पे करनी होती है ऑनलाइन, आपको अपने फॉर्म को भरना होता है, ठीक है। पोर्टल आप देख सकते हैं, ये इनका पोर्टल है, यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन पे जाना होगा, और अप्लाई ऑनलाइन पे जाने के बाद आप साइनअप करेंगे, साइनअप करने के बाद आपको ईमेल डालना होगा वहाँ पर, और ईमेल डालने के बाद दोस्तों आपको एक वेरिफिकेशन ईमेल आएगा, उसको आप वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आपको पासवर्ड बनाना होगा, और पासवर्ड बनाने के बाद आप यहाँ पर आ करके ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जब आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपके सामने पोर्टल ओपन होकर के आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए पहले आपसे पूछ रहा है कि सेलेक्ट कैटेगरी, टीचिंग आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, फिर आप कैंपस सेलेक्ट करेंगे, जहाँ जहाँ वैकेंसी अवेलेबल होगी CMS में वहाँ वहाँ के कैंपस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद नीचे आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होगी जो भी आपसे पूछा जाएगा। तो बहुत सरल फॉर्म है, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर, और साथ ही आप हमसे टेलीग्राम पर हमारे डिस्कशन ग्रुप में बात कर सकते हैं जहाँ पर सभी के लिए वो ओपन है। और साथ ही आपको मैं बता दूँ, आप हमसे YouTube पर कमेंट करके भी बात कर सकते हैं, मैं आपको 100% रिप्लाई करूँगा। ओके, तो आई होप आपको वैकेंसी पसंद आई होगी, जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करें। और इसी तरह की रेगुलर टीचिंग नॉन टीचिंग वैकेंसीज, PhD एडमिशन और अदर एजुकेशनल कॉन्टेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।